बंसी मधुर बजावे श्याम, मधुबन गोकुल और महावन में वृंदावन वेणु नाद। मधुबन में, गोकुल में, महावन में, वृंदावन में, ब्रज की कोने कोने में, कण कण में बंसी की आवाज की धुन सुनाई दी। जब भगवान ने बांसुरी बजाई तो गोपियां कहने लगी कि प्रभु, ये जगत की प्रीत घुमाने वाली है, दर्द देने वाली है, लेकिन बंसी की जो आवाज है ये तो हमें कृष्ण के पास खींच करके लेके जाती है और कृष्ण की ओर जब हम चली गई तो फिर वहां से आने का मन नहीं करता। कृष्ण की बांसुरी की जो आवाज है ये हमारे चित्त को चुरा लेती है। जिसका चित्त चुर जाए उसे कोई संसार अच्छा लगता है क्या, या कोई परिवार अच्छा लगता है, या कोई और अच्छा लगता है? जिसका चित्त चुर गया, जो बांसुरी चित्त को चुरा लिया, उसे कौन अपना बना सकता है? वो तो केवल कृष्ण का ही रहता है। कि कहा जगत सो प्रीत सखीरी, कि मेरो प्रियतम नंद किसो। कि मुझे जगत की कोई परवाह नहीं है, जगत से प्रेम नहीं है, मेरा प्रियतम तो केवल कृष्ण है, नंद किशोर है, मुझे कोई और नहीं चाहिए। प्रत्येक गोपी को यही लगा, कृष्ण ने आज हमको बुलाया है, गोविंद ने हमको आज बुलाया है, चलो रे चलो, हम सबके चल के देखती हैं कृष्ण का दर्शन करके आएंगी। कि भई कृष्ण से प्रीत सखीरी, कि दई प्रेम सिंधु में बोर। जब से कृष्ण से प्रेम हुआ है तब से कृष्ण के प्रेम में हम डूब गई हैं। गोपियों को कुछ और अच्छा लगता नहीं है। जिसका मन कृष्ण की ओर चला जाए वो कृष्ण की दासी बनकर के तैयार सेवा में रहती है। गोपियों का केवल यही तो भाव है। गोपियों को कृष्ण को रिझाने के लिए पास उनके पास कुछ और है नहीं सिवाय प्रेम के। केवल प्रेम है। गोपी कौन है? गो माने इंद्रियां, पी माने पीना। जिसकी इंद्रियां कृष्ण की रस में डूबी हुई हैं, जिसकी इंद्रियां प्रत्येक इंद्री कृष्ण की रस को पान कर रही है, वही तो गोपी है। अभी आप सब गोपी हैं, हम सब गोपी हैं। गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है। जो कृष्ण की रस में डूबा हुआ है वही तो गोपी है। कृष्ण रसम पिबती थी गोपी ही, जो कृष्ण के नाम में चिंतन में डूबा है वही गोपी है। आज कृष्ण के प्रेम में गोपियां डूब गई हैं। कि मैं तो गिरिधर की हूं दासी, वो मेरे है चित चोर, सखीरी में तो प्रियतम की हूं दासी, चलीरी में तो वृंदावन की हो। बंसी की आवाज सुनकर की चित्त चुर गया, कानों में केवल वही नाम गूंज रहा है कि बंसी में कृष्ण तुम्हारा नाम ले लेके पुकार रहे थे।
84 को उसकी ब्रज मंडल में जितनी भी गोपियां थी, प्रत्येक गोपी को अलग अलग अपना ही नाम सुनाई दिया। बंसी एक जगह बजी, बंसी केवल कृष्ण नहीं बजाई, बंसी केवल यमुना की तीर पर बजी अर्धरात्रि के समय, लेकिन गोपियों को नाम अलग अलग अपना ही महसूस हुआ। सुना, यह कृष्ण की बंसी की आवाज की, बंसी की आवाज सुनकर के सभी देवता भी चौकन्ने हो गए और विचार करने लगे कि आज जगत का नियंता, अगर जगत रहे रचयिता, आज कृष्ण कोई लीला करने वाले हैं। कि भगवान पिता रात्रि सरदो तो फल मुल्लिका, कि भगवान पिता रात्रि सरदो तो फुल मल्लिका, वीक्षरन्तो मनश्चक्रे योग मायाम पाश्रिता। भगवान यमुना के तीर पर खड़े होकर के बंसी बजाने से पूर्व अपनी योग माया से कह दिया कि जाओ प्रत्येक गोपी के चित्त में जाकर के तुम बैठ जाओ। सभी गोपी को यह लगना चाहिए कि मैं सभी गोपियों को अलग अलग नाम लेकर के पुकार रहा हूं। गोपियों को लगा तो ये कि कृष्ण हमारा ही नाम लेकर के केवल मेरा नाम लेकर पुकारे हैं, लेकिन जब सब गोपियां निकली बाहर तो पूरे ब्रजमंडल की गोपियां हजारों लाखों गोपियां इकट्ठी हो गई। अब आपस में बात कर रही थी गोपियां, क्या तुमको भी बुलाया था कृष्ण ने नाम लेकर के? बोले हां, मैं तो उस समय सो गई थी चद्दर चान करके, लेकिन बंसी की आवाज सुनी अपना नाम, मैंने जब सुना तो दौड़ी चली आई अपने पलंग को त्याग करके। एक गोपी ने कहा अच्छा तूने भी सुना? बोले हाँ मैंने भी अपना नाम सुना, मैं भी तो उस समय अपने बच्चे को दुग्ध पान करा रही थी, अपने लल्ला को ही पटक कर की भाग्य चली आई। बंसी जोर की बजाई मेरे नंद लाला, बंसी की आवाज मैंने रसोई में सुनी थी, चकला बेलन पटक आई नंद लाला। बंसी जोर की बजाई मेरे नंद लाला। एक गोपी बोली तो तेरा भी नाम लिया था कृष्ण ने? बोले हाँ मेरा भी नाम लिया था, मैं तो उस समय योग माया ने सबके समय अलग 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 कर दिए। किसी ने रात्रि में आवाज सुनी, किसी ने सोते समय आवाज सुनी, और किसी ने अपने बच्चे को दुग्ध पान कराते समय आवाज सुनी, किसी ने रसोई में खाना बनाते समय आवाज सुनी, तो किसी ने गौशाला में कंडे थापते हुए आवाज सुनी। आवाज सबने सुनी, लेकिन सबका समय अलग 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 महसूस हुआ। बजाने वाले कृष्ण एक हैं, सुनने वाले अलग अलग पृथक पृथक अलग अलग समय से सुनी। एक गोपी ने कहा मैंने जब आवाज सुनी थी ना तब तो मैं गौशाला में कंडे थापने के लिए गई थी। बंसी की आवाज मैंने गौशाला में सुनी, कंडा थापते ही भग आई नंद लाला। एक गोपी बोली मैं तो उस समय ने आवाज सुनी, मैं अपने पति को भोजन करवा रही थी, तो उस समय मेरे पति ने सब्जी में नमक होने के कारण से मेरे से नमक मांगा और मैं उन्हें उसको बोला दे दिया, मैं अपना शुद्ध बुद्ध खो बैठी। ये बंसी ने मेरे चित्त को चुरा लिया।
शुद्ध बुद्ध खो बैठी मैं। नमक की जगह बुरा पकड़ा करके आ गई। एक बोली, अरे तुम तो अपनी बात कर रही हो, मैं तुम्हें अपनी आप बीती बताऊं। मैं तो जब जाने लगी तो मेरे पति ने मुझे कमरा में बंद कर दिया कि कहां जा रही है अर्धरात्रि के समय। तो मैंने कहा, इस शरीर से तुझे प्रेम है ना, इस शरीर को तू अपने कमरे में बंद कर ले, चलेगा, लेकिन तू मेरे मन को तो नहीं रोक पाएगा। सभी गोपियों से पहले उस गोपी का मन कृष्ण के पास पहुंच गया। तन यहां है तो क्या, आपका मन तो कृष्ण के चरणों में लगा है। सच में जिसका मन कृष्ण के चरणों में लग जाए, तन आपका चाहे कहीं भी पड़ा रहे, मन कृष्ण से संबंध जोड़ ले, मन कृष्ण से प्रेम कर ले, मन कृष्ण के चरणों में अटक जाए, तन की परवाह नहीं। देने की योग्य से कृष्ण को अगर कोई चीज है, भी वस्तु है, तो केवल मन है आपका, उसको और कुछ नहीं। अगर दे सकते हैं तो कृष्ण को मन दीजिए। एक गोपी बोली, मैं तो तुम्हें बस कुछ बता ही नहीं सकती, मेरी सास तो इतनी क्रोधी ली थी, इतना डांटने लगी, इतना फटकारने लगी, लेकिन मैं रुकी नहीं, मैं सास को भी धोखा देख करके कृष्ण के चरणों में भागे चली आई। कृष्ण के चरणों के नजदीक जाने से अगर कोई रोके तो परवाह न करो, चले आओ कृष्ण के चरणों में। सच्चा प्रेम गोविंद का है। कृष्ण ही तो सास हैं, कृष्ण ही ससुर हैं, कृष्ण ही पति हैं, तो कृष्ण ही पुत्र हैं। जो भी मान लो वो सब कुछ बनने को तैयार है। हे गोविंद, मैं क्या क्या बताऊं। कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं यमुना के किनारे पर, यमुना महारानी अपने हिलोरों से, अपने तरंगों से ऐसा महसूस करवा रही हैं कि मैं भी कृष्ण की पत्नी हूं, मैं भी आपके ही संग हूं, मैं कोई आपसे कम नहीं, किसी और से कम नहीं। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।